Good morning, students. Today I am going to start the new chapter from history, and the name of the chapter is Monumental Architecture. In this, we will discuss about the different monuments that were built in India. Now, as you all know, large number of monuments, ज्यादातर monuments कब बने थे? It was built during the medieval period. ठीक है? Medieval period में सबसे ज्यादा ये monuments बनाए गए थे. Kings built secular structure as well as religious structure. अभी secular structure क्या होता है? Secular structure का मतलब होता है not related to religion. जो धर्म से related जो चीजें बनाई जाती हैं, धर्म से related जो ना हो, जैसे कि wells, tanks, tomb यानी मकबरा, ठीक है? Forts, palaces, ये सब secular structures हैं. जैसे कि टेंपल्स एंड मॉस्क. हैव यू एवर वंडर व्हाई द मेडिवल पीरियड इज सो रिच इन आर्किटेक्चर? मेडिवल पीरियड में सबसे ज्यादा आर्किटेक्चर या सबसे ज्यादा मॉन्यूमेंट्स बनाए गए क्यों? व्हाट वाज द रीजन? देयर वर मेनी रीजंस एंड वी विल डिस्कस सम ऑफ द रीजंस. फर्स्ट, किंग्स बिल्ड फोर्ट्स, पैलेसेस एंड टोम्स टू इंप्रेस पावर, पोजिशन एंड वेल्थ. जो राजा थे वो बनाते थे फोर्ट्स, पैलेस या टोम्स यानी मकबरा, किस लिए? टू इंप्रेस विद देयर पावर, वो अपना पावर दिखाने के लिए, ठीक है? अपना पोजिशन जो है लोगों के बीच में अपने पोजिशन को शो करने के लिए, और वेल्थ यानी कितने वो वेल्थी हैं, कितना उनके पास मनी है, ये दिखाने के लिए दे यूज टू बिल्ड दिस मॉन्यूमेंट्स. सेकेंड रीजन, celebrated their victories in war. अपने कोई भी लड़ाई जब जीतते थे उसको शो करने के लिए या सेलिब्रेट करने के लिए दे यूज टू बिल्ड मॉन्यूमेंट्स. मॉन्यूमेंट्स कोई ना कोई मॉन्यूमेंट्स बनाते थे कोई वॉर अगर जीतते थे तो. थर्ड, किंग्स वॉन्टेड टू डेमोन्स्ट्रेट देयर डिवोशन टू गॉड. अब गॉड के प्रति उनकी कितनी श्रद्धा है इसको दिखाने के लिए भी वो क्या करते थे? मॉन्यूमेंट्स बनाते थे. दे डिड सो बाय बिल्डिंग प्लेसेस ऑफ वर्शिप. भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा को दिखाने के लिए वो जो पूजा करने की प्लेसेस जैसे टेंपल और मॉस्क दे यूज टू बिल्ड. और फोर्थ है रीजन, किंग्स वांटेड टू बिल्ड स्ट्रक्चर दैट वुड एक्ट एज अ मार्कर, एज अ मार्कर ऑफ ग्रैंडियर ऑफ द एरा गॉन बाय. यानी समय को मार्क करने के लिए कि ऐसे एक समय में, बीते हुए ऐसे एरा में, समय में एक राजा आया था जिसने ये मॉन्यूमेंट बनाया था. जैसे कि यू कैन से दीज स्ट्रक्चर्स वेर वुड आल्सो एनेबल द फ्यूचर जनरेशन टू रिमेंबर देयर बिल्डर्स. जो आगे के जनरेशन के लोग हैं ये जो मॉन्यूमेंट्स को देखे तो उन्हें बिल्डर का याद है यानी किसने वो मॉन्यूमेंट बनाया. जैसे फॉर एग्जाम्पल जब ताजमहल की बात होती है, जब हम ताजमहल को देखते हैं तो हमको तुरंत हमारे दिमाग में आता है इट इज बिल्ट बाय शाहजहां, ठीक है? तो इस तरह से बिल्डर जो है, जो बनाने वाला है, अपने आप को याद रखे आगे का जनरेशन, इसलिए भी मॉन्यूमेंट्स बनाए गए. नाउ टॉकिंग अबाउट इंडियन टेम्पल्स, इंडियन जो टेम्पल आर्किटेक्चर का इट इज डोमिनेट, इज डोमिनेटेड ब्रॉडली बाय टू आर्किटेक्चर. टू टाइप ऑफ स्टाइल जो है इंडिया में टेम्पल आर्किटेक्चर का था. फर्स्ट वन दैट इज नगारा स्टाइल दैट वॉज फेमस इन नॉर्थ इंडिया एंड ड्रेविडियन स्टाइल दैट वॉज फेमस इन साउथ इंडिया. दिस स्टाइल इज मार्क बाय, आई एम टॉकिंग अबाउट नगारा स्टाइल. नगारा स्टाइल जो नॉर्थ में फेमस था इट वॉज मार्क बाय कर्वी लीनियर टेम्पल टावर विच एंड टेम्पल. मतलब बहुत सारे कर्व्ड लाइंस बनाए जाते थे जो एक पॉइंट पे एंड होते थे, ठीक है? तो ये टेम्पल का जो बनाने का तरीका था नगारा स्टाइल का वो ऐसा ही था, ठीक है? नाउ टॉकिंग अबाउट द ड्रेविडियन स्टाइल व्हिच इज फेमस इन साउथ इंडिया, जो कि साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा फेमस था. इट वाज मार्क्ड बाय पिरामिडल टेम्पल टावर. पिरामिड, पिरामिड की तरह
Nagara style, as you know, was famous in North India. Chandela jo raja the, wo unhone sabse pehle ye Nagara style jo hai temple ka unhone sabse pehle build kiya. In Khajuraho. Ab ye Khajuraho kahan hai? It is in Chhatarpur district in Madhya Pradesh. ठीक है, it has ये जो Khajuraho complex में 85 temples हैं. Total 85 temples are there in Khajuraho complex, such as Parasvanath temple. ठीक है, Parasvanath temple जो है सबसे famous temple है among this. Now talking about the temples, जो कि इसी style Nagara style में बनाए हैं in Odisha, that is Mukteshwar temple, then Lingraja temple of Bhubaneswar, the Sun temple of Konar, and Jagannath temple at Puri are some of the temple that was built in Nagara style. इसका जो Nagara style जो था North Indian का, वो same architecture में style में बना था. Dilwara temple और भी बहुत सारे Nagara styles में temple बने, इसमें से थे Dilwara temple जो था Mount Abu का, वो भी बहुत famous था and it was built by Solanki ruler. Now ये जो temples थे, these temples were white marble. अब ये white marble पे बनाए जाने लगे, decorated with beautifully carved sculpture. और मूर्ति भी बनाए जाते थे, बहुत सुंदर सुंदर मूर्ति बनाई जाती थी and had designs. और इसमें designs होते थे flowers and plants के. ठीक है, तो ये हो गया हमारा Nagara style of architecture that was followed in North India. Today,